हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीएकेडमी। सो इस सीरीज़ में आज हम पार्ट थ्री पे पहुंच चुके हैं, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट काम लेबर लेजिस्लेशन के ऊपर, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स उन्होंने लिखी हो, इंपॉर्टेंट हो आपके सिलेबस इंडस्ट्री रिलेशन से, और EPFO एग्जाम में आने के चांसेस भी है इस टॉपिक से। तो डिस्कस करते हैं आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में, उनका नाम है जॉन डनलॉप। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है आपकी लेबर लेजिस्लेशन के अंदर, इंडस्ट्री रिलेशन के अंदर, क्योंकि एक इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, इसका नाम था सिस्टम अप्रोच। थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्री रिलेशन अगर आपने पढ़ा हो तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे कि यूनिटरी अप्रोच है, प्लूरिस्टिक अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, HR अप्रोच है। इसी सीरीज में सिस्टम अप्रोच भी आता है, तो जिसमें से हमने काफ़ी सारे अप्रोचेस को कवर भी कर लिए है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जॉन डनलॉप, उनके द्वारा लिखी किताबें, उनके द्वारा की गई काम और सिस्टम अप्रोच को भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जॉन थॉमस डनलॉप, इनका पूरा नाम था, 1914 में जन्म हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। अमेरिका के थे ये, लेबर इकोनॉमिक्स थे ये, यह बात आपको याद रखनी है, लेबर इकोनॉमिक्स थे, मतलब कि लेबर का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके होने से, उनके वेलफेयर स्कीम के देने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, ये डिस्कस करते थे और एडवाइस करते थे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट को। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर ये एडवाइजरी रोल प्ले कर चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम भी किया है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में, कई बार ये चेयरमैन और कई बार ये मेंबर के रूप में काम कर चुके हैं, और इस बोर्ड के थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो डिस्प्यूट थे उसको रिजॉल्व करते थे और इकोनॉमी के स्टेबलेशन के लिए भी काम करते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ा चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। इसके अलावा देखें, ही मीडिएटेड एंड आर्बिट्रेटेड डिस्प्यूट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। इन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन करने से पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम किया है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इनको बुलाया जाता था, इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, कलेक्टिव बार्गेनिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे ये, बैठ के बात करके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने को ज़्यादा महत्व देते थे, जिस वजह से इनको गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व किया गया, गवर्नमेंट के अंदर एडवाइजरी रोल प्ले करते थे ये, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर ये रह चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो, रोजवुड से लेके बिल क्लिंटन तक ये अब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइजरी रोल प्ले कर चुके हैं। इसके अलावा ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंडस्ट्रियल और लेबर लेजिस्लेशन को अपने फ्रेमवर्क इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, जिसका नाम था सिस्टम अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच के थ्रू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंडस्ट्रियल और लेबर लेजिस्लेशन को। डनलॉप फोकस ऑन वेज डिटर्मिनेशन, वेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इस पे डनलॉप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे, और उन्होंने बताया कि रोल क्या है मार्केट का और इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, इन देयर डिटर्मिनेशन। इन्होंने बताया कि जो वेज डिसाइड होता है लेबर का, उसमें मार्केट का और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। इसके अलावा देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, जैसा कि मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के वीडियो में बताया था कि नेशनल वॉर लेबर बोर्ड बनाया गया था, ताकि हुआ क्या था कि देखो, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो लेबर को वर्ल्ड वॉर वन में ही अपनी पावर का रियलाइज़ हो गया था कि वो क्या कर सकता है, अगर वो काम ना करे तो सीधे के सीधे जो गवर्नमेंट है, जो इंडस्ट्री है, वो हार जाएगी, वॉर हार जाएगी गवर्नमेंट। तो उन्होंने उन तो वर्ल्ड वॉर वन में ही लेबर को अपनी पावर का रिलाइज हो चुका था, तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में नेशनल वॉर लेबर बोर्ड बनाया गया था, जिसमें इनको इंचार्ज किया गया था कि आपको क्या करना है, आपको नो स्ट्राइक एग्रीमेंट करना है, ताकि लेबर जब तक वॉर चल रहा है तब तक लेबर क्या करे, स्ट्राइक ना कर सके, गवर्नमेंट की हेल्प करे, इसके लिए आपको नो स्ट्राइक एग्रीमेंट करना है लेबर्स के, वर्कर्स के साथ। तो उन्हें ये इसके वो इंचार्ज भी रह चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम अप्रोच, काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, थ्योरी है इनके द्वारा दी गई। ये थ्योरी कहता क्या है, ये थ्योरी कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन सब पार्ट है किसका, सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट है, और सोसाइटी ही होल डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री में माहौल कैसा होगा। सोसाइटी इज़ सीन एज अ प्रोवाइडिंग सर्टन एक्सटर्नल एक्सफ्लुएंस। अब देखो, जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ेगा। अब जिस रीजन में ऑर्गेनाइजेशन है, उस रीजन में सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लेबर के ऊपर, और लेबर कहाँ काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होगा वो
डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो सोसाइटी है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ये कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है जनरली कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, एक तो कहता है कि एक होता है एक्टर, एक होता है सर्टन कंटेक्स्ट या रूल्स की बात करते हैं, रूल्स होता है इंडस्ट्री में, और एक होता है आइडियोलॉजी। ये तीनों मिलके ही क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम चलाते हैं, ये तीनों मिलके ही इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम चलाते हैं। और एक्टर की बात की जाए तो एक्टर में कौन होते हैं, वर्कर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट। तो ये तीनों मिलके ही क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, रूल बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो रूल का फॉर्मूला क्या है, एक्टर, आइडियोलॉजी और बॉडी ऑफ रूल्स। तो ये डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो डिपेंड करता है एक्टर कौन है, उसके द्वारा लिया हुआ डिसीजन, आइडियोलॉजी क्या चल रही है वहाँ पे, और रूल और लेजिस्लेशन किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है ये। इसके अलावा देखते हैं इनके द्वारा लिखी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। तो बुक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे जो है वो पहली बुक वेज डिटरमिनेशन अंडर ट्रेड यूनियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था इस बुक को उनके टाइम पीरियड में। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिंसिपल एंड केसेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल मैन है, द लेसन ऑफ वेज एंड प्राइस कंट्रोल, लेबर इन द 20th सेंचुरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन, कंसेंसस एंड बिल्डिंग, ये भी आपको याद रखना है इस बुक को, द मैनेजमेंट ऑफ लेबर यूनियन और मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट। तो ये कुछ बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी, लेकिन वो बुक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से कनेक्ट होता है वही बुक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो आपको इसको याद कर लेना है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ इम्पैक्टफुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एफर्ट को प्रेज कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF है आप ले सकते हो reeAcademy के टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, वहाँ पे कुछ मोटिवेशन फोटोज़ वगैरह आपके लिए हेल्पफुल होंगी जो एग्ज़ाम के लिए, वो अपलोड करता हूँ मैं। इसके अलावा 65% जो व्यूवर्स हैं हमारे, इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर आपके लिए हेल्पफुल है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।